दिस इज डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है पर्सनल एसे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चली हुई है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022। इस सीरीज में सबसे पहले मैं लिटरेरी टर्म्स आपको समझा रहा हूँ। लिटरेरी टर्म्स में जो करंट में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसे एंड इट्स टाइप्स। तो ऐसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसे क्या होता है, ऐसे के फीचर्स क्या होते हैं। अब हम इसके टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और टाइप्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल ऐसे। दोस्तों ये सीरीज जिसका मोटो आपको सफलता दिलाना है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें मैं आपको पर्सनल एसे पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिविज़न एसे को लेकर कि एसे क्या होता है। एसे एक प्रोज कंपोजिशन है जिसका जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट डिस्कशन पर होता है। इसको लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो हम हक्सले की बात करें जो कि एक फेमस एसेइस्ट और क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है एसे के बारे में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग। ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है, जो एसे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट पर लिखे जा सकते हैं, मतलब हर चीज़ पर लिखे जा सकते हैं और लगभग किसी भी सब्जेक्ट पर एसे को लिखा जा सकता है, जो कि एसे के बारे में हक्सले ने कहा है। और हक्सले ही एसेज को थ्री पोल्स में डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हक्सले ने एसे को कितने पोल्स में बांटा है। योर आंसर विल बी थ्री पोल्स। व्हाट आर दोज थ्री पोल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सनल एसे, नंबर टू द ऑब्जेक्टिव एसे, नंबर थर्ड द एब्स्ट्रैक्ट एसे। तो दोस्तों जो पर्सनल, ऑब्जेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारे थ्री पोल्स हैं एसे के अकॉर्डिंग टू हक्सले। इसके बाद एसे वर्ड आया कहां से? फ्रेंच टर्म एसे, ई डबल एस ए आई एसे और ई डबल एस ए वाई ई आर, एसे आर से उत्पत्ति हुई। किसकी? एसे की, ठीक है ना। ई डबल एस ए वाई, ई डबल एस ए आई एसे और ई डबल एस ए वाई ई आर, एसे आर से उत्पत्ति हुई। किसकी? एसे की, जिसका मतलब टू ट्राई और टू अटेम्प्ट होता है। और इंग्लिश में अगर जो हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? ए ट्रायल और एन अटेम्प्ट होता है। एंड दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ एसे। और दोस्तों ये एक अल्टरनेटिव मीनिंग भी है किसका? एसे का। फ्रेंच मैन यानी कि फ्रेंच के फिलोसोफर राइटर हुए हैं मॉन्टेन, उनको बहुत फेमस ये एसेइस्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको फादर की एक क्रेडिट दिया गया है। फादर का इनको कहा गया कि ही इज नोन एज फादर ऑफ एसेज। इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ एसेज माना जाता है। और इनके जो ऐसे डेवलप हुए वो 1571 में एसेज इनके डेवलप हुए थे। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज का नाम दिया गया है। फ्रांसिस बेकन को क्या कहा गया है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। और मॉन्टे जो है वो कौन है? वो फादर ऑफ एसे हैं। और इसके साथ साथ बेकन को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का भी नाम दिया गया है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रांसिस बेकन इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रांसिस बेकन को अपने किस स्टाइल के लिए जाना जाता है। योर आंसर विल बी एफोरिस्टिक स्टाइल, यानी कि विटी स्टेटमेंट, शॉर्ट बट विटी स्टेटमेंट। बहुत छोटे से जो स्टेटमेंट होते हैं लेकिन फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर होते हैं, फुल ऑफ विजडम होते हैं। वो फ्रेज भी हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। तो वो उनके लिए, अपने एफोरिज्म के लिए जाने जाते हैं फ्रांसिस बेकन। चार्ल्स लैम जो है वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहलाते हैं। चार्ल्स लैम का पहला कलेक्शन 1823 में एसेज ऑफ इलिया के नाम से आया। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेज की, जिसमें मैं आपको आज पहला पार्ट इनफॉर्मल एसेज पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इनफॉर्मल एसेज आते हैं, फिर फॉर्मल एसेज आते हैं, फिर ट्रेवल्यूक आती है, फिर मेम्योर, और उसके बाद पीरियडिकल एसेज, और फिर बायोग्राफिकल एसेज, ऑटोबायोग्राफिकल एसेज, रिव्यू एसेज और रिसर्च एसेज एंड सिंथेसिस एसेज। ये एसे के टाइप्स आते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइप आज डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल एसे। इनफॉर्मल एसे होता क्या है? इनफॉर्मल एसे डील करते हैं किससे? इनफॉर्मल सब्जेक्ट से। इनफॉर्मल सब्जेक्ट क्या होता है? अपने परिवार से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट। दोस्तों आपने इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर लिखे होंगे, पढ़े होंगे। तो उनमें क्या होता है, वो इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं
जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, वो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को लिखे जाते हैं, नियर डियर वंस को लिखे जाते हैं, वही तो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जिनको फैमिली लेटर्स भी कहा जाता है। तो ऐसे ही इनफॉर्मल एसेज हो गए जिस पर लेखक अपने लाइफ से जुड़ी हुई, अपने परिवार के लोगों से जुड़ी हुई, अपने रिलेटिव अपने दोस्तों से जुड़ी हुई जो कुछ घटनाएं हैं उनको दर्शाता है या फिर उनके बारे में हमें अवगत कराता है, तो वो इनफॉर्मल एसेज कहलाते हैं। इनफॉर्मल एसेज की बात करें दोस्तों, तो इनफॉर्मल एसेज रिफ्लेक्ट द इनर वॉइस ऑफ द हार्ट। इसमें हृदय की अंदर की आवाज़ निकलती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हार्ट से निकलती है। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, उसमें कोई रेगुलेशंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब लेखक अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है तो वो बिल्कुल स्वच्छंद होता है, बहुत फ्री होता है अपनी बात को कहने के लिए। वो अपनी बात को ईजिली कह पाता है और उसके लिए वो एक सिंपल लैंग्वेज यानी कि सिंपल डिक्शन, सिंपल डिक्शन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, तो वो बिल्कुल एक सिंपल डिक्शन का यूज़ करता है और फ्लो में अपनी बात को कह पाता है। तो ये जो आवाज़ होती है ये दोस्तों हृदय से निकली हुई आवाज़ होती है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं होते कि हमें कोई ऐसा क्रिटिकल सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं तो हमें क्रिटिसाइज किया जा सकता है, या फिर हम कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी फॉर्मल, हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ता है। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यही कारण है कि इस प्रकार के जो ऐसे होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? इनर वॉइस ऑफ दी हार्ट को। इट डील्स विद दी पर्सनल लाइफ ऑफ दी राइटर। जो लेखक के व्यक्तिगत जीवन होता है उससे डील करते हैं इनफॉर्मल ऐसे। इट इज एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली इन इट्स नेचुरल फंक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ। जो इसमें नेचुरल फंक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ दर्शाया जाता है उसके तौर पर हम इसको अपनी लाइफ से कंपेयर करके दोस्तों बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं। और वही बात है, अगर जो हम लिखना भी चाहते हैं तो जो हमारे नेचुरल फंक्शंस ऑफ लाइफ होते हैं, जो डेली लाइफ में हम करते हैं या फिर जो भी कुछ होता है, वही तो घटनाएं हैं इसका पार्ट जो बनती हैं। इट इज ऑफन स्पॉन्टेनियस एंड क्रिएटिव। ये बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, क्रिएटिव होता है, क्योंकि हमें अपने के बारे में पता होता है, अपने लोगों के बारे में जो भी हुआ उसके बारे में पता होता है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस एंड क्रिएटिव ये हो जाते हैं। इसके साथ साथ माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रोकर्टी वॉशिंगटन, जिसमें आपने देखा होगा जो ब्रोकर्टी वॉशिंगटन है उन्होंने क्या देखा था, जो कोल माइनर्स थे यानी कि कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने उनको सुना था, दे वर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल दैट वॉज सिचुएटेड समवेयर इन वर्जीनिया एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल वॉज हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं वो बात कर रहे हैं, किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, एक ऐसे स्कूल के बारे में जो कि बहुत विशाल था, जिस तरह से उसकी तारीफें वो कर रहे थे, और दो कोयले में की खान में काम करने वाले मजदूर थे जो वो बात कर रहे थे। जब इन्होंने सुना तो इन्होंने रिजॉल्व किया वहां पर जाने का, और जब वो वहां पर गए तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, इवन यहाँ तक कि शिप पे भी काम करना पड़ा, जगह जगह रुक रुक कर जाना पड़ा, लिफ्ट ले लेकर जाना पड़ा। बट एनी हाउ, जब वो हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पहुँचे तो वो जो बिल्डिंग का सीन था उसको देखकर उनको शांति मिली, एक रिलैक्स मिला, और उनको लगा कि उनकी सारी थकान जैसे दूर हो गई हो, मिट गई हो। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट कब हुआ, जब वो वहाँ पर अंदर गए और उन्होंने देखा कि अन्य बच्चों को वहां पर आसानी से दाखिला दिया जा रहा था, आसानी से एडमिशन हो रहा था, लेकिन क्योंकि वो भूखे थे, उनके फटे पुराने कपड़े थे और हालत अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन बाद में जो प्रिंसिपल वो जो यंकी वुमैन, यंकी मतलब क्लेवर, कनिंग वुमैन जिसको यंकी कहा गया है, तो जो प्रिंसिपल थी वो एक बहुत चालाक स्त्री थी, उसने इनको सफाई का कार्य दिया और इन्होंने बड़े मन लगाकर सफाई की, एक कण भी नहीं छोड़ा, और उस सफाई करने के प्रोग्राम को ही इन्होंने समझ लिया कि दिस इज माय एंट्रेंस एग्जाम, यही मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। दोस्तों जब आपको ये लगे कि मुझे कुछ करना है और कुछ करने के लिए आपको पता है कि मेरे लिए एक विंडो है, एक खिड़की है, तो उस खिड़की को अपना एक टारगेट बनाइए, उस खिड़की को खोलने के लिए पूरा प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वो खिड़की ही है जो आपको एक बड़े दरवाजे की तरफ लेकर जा सकती है। तो वही चीज है
कि अगर आपको एक छोटी सी राह दिख रही है तो उस पर मेहनत से लग जाइए, आगे बढ़ते रहिए। आज एक छोटा सा रास्ता है वो कल बड़ा भी हो जाएगा। तो प्रयत्न से ही होता है सब कुछ, और ऐसे नहीं होता। तो वही चीज है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रॉकर्टी वॉशिंगटन, ओन डूइंग नथिंग बाय जेबी प्रिस्टले। ये जेबी प्रिस्टले का ओन डूइंग नथिंग है, जिसपे वो यॉर्कशायर की पहाड़ियों पर चले जाते हैं और कुछ नहीं करते, और धूप में बैठे रहते हैं, धूप का एंजॉय करते हैं और ब्रेड्स एंड टोबैको का आनंद लेते हैं वहाँ पर। और वो ये कहते हैं कि कुछ ना कर कर भी बहुत ज़्यादा सब कुछ किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है डेविल जो है, डेविल इज़ द बिजिएस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा जो बिजी क्रिएचर है वो डेविल है। और अगर जो इंसान भी उसकी तरह काम करेंगे तो इंसान भी डेविल से कम नहीं है। एक बहुत अच्छा मैसेज वो देते हैं इस एस्से में। तो ये भी क्या है, ये भी आपका पर्सनल लाइफ से आता है। और उन शूटिंग एन एलिफेंट, जिसमें एक एलिफेंट को शूट करने के बारे में बात है, डिस्कशन है, तो वो यहाँ पर एक बहुत फेमस उनका एक्सपीरियंस। इस प्रकार से एक हाथी पूरे गांव में एक आतंक सा फैला देता है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। फिर उसके बाद में जो लेखक है उसको भी ये विश्वास नहीं होता कि वास्तव में ये हाथी जो है कोई है, मतलब कोई क्रिएचर ऐसा है जो ऐसा कर रहा है। वो सोचते हैं कि एक अफवाह है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है, मतलब एक दिन ऐसा होता है जब वो उस हाथी को देखता है तो उसको यकीन नहीं होता, क्योंकि हाथी की कंडीशन वो नहीं थी, उस तरह से नहीं थी जैसे कि वो एक पागल हाथी था ना जो आतंक मचा रहा था, उस तरह का हाथी उसको दिखाई नहीं देता। तो उसको लगता है कि क्या वो उसको शूट करे या ना करे। अब दोस्तों, क्या उसने उस हाथी को शूट किया या नहीं किया, इसका रिप्लाई आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। आप अगर जो आपको मालूम नहीं है तो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप इसको पढ़िए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिए कि उस हाथी का क्या हुआ इस ऐसे में, शूटिंग एन एलिफेंट में, जो कि जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ फेमस ऐसे है। और दोस्तों, इन सभी ऐसे में आपको एक इन्फॉर्मल टच देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मल एक्सपीरियंस को बयां करते हुए ये ऐसेज हैं। उम्मीद है कि आपको इनफॉर्मल ऐसे समझ में आया होगा और जो ये सीरीज़ है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो केवल 1,000 रुपये में आप ये रिकॉर्डेड सेशन परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो आप नोट्स चाहते हैं परचेज करना, तो केवल 2,000 रुपये में आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। दोनों चीज़ 3,000 की हो गई, लेकिन इस समय एक स्पेशल स्कीम यहाँ पर भी है। अगर जो आप दोनों एक साथ लेते हैं, नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस, तो आपको केवल 2,500 रुपीज़ में पूरा ये पैकेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ आप जुड़िए, और किस तरह से जुड़ना है उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए मेरे नंबर 9756055255 पर। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।